हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। आप पेटीएम ऐप के जरिए 100 रुपये से 1 लाख तक का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और यहां पे आपको 1 साल के टाइम पीरियड पर 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। और आप जो एफडी करेंगे उस एफडी को कभी भी तोड़ सकते हैं, आपको इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे और आपका जो भी पैसा है इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं पेटीएम ऐप पर। तो यहाँ पे पेटीएम ऐप ओपन करने के बाद आप इस बैंक के आइकन को क्लिक करेंगे, उसके बाद पासकोड इंटर करके आगे बढ़ेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था, जो कि मैंने लिमिट सेट किया हुआ था 10,000 का और उसके बाद जो ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट क्रिएट हुआ था आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस ऊपर के आई बटन को क्लिक कर सकते हैं या नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे आप ऑटोमेटिक एफडी क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन चलिए यहाँ पे मैं आपको अभी एक जनरल एफडी अकाउंट क्रिएट करने बताऊँगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिक्स डिपॉजिट के आइकन को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, 2 अकाउंट यहाँ पे पहले से मौजूद है। तो चलिए मैं अभी एक नया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्रिएट करूँगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट फिक्स डिपॉजिट पे। तो यहाँ पे आपका पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस होगा यहाँ पे शो होगा और आपका इसी बैलेंस से फिक्स डिपॉजिट क्रिएट होगा। तो आप यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 100 से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 1 लाख तक का एफडी आप यहाँ पे कर पाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मिनिमम एफडी बुकिंग है ₹100 से स्टार्ट है। तो चलिए मैं यहाँ पे 100 इंटर कर लेता हूँ। मीन्स अगर मैं यह 100 रुपया एफडी अकाउंट में 1 साल के लिए रख देता हूँ तो 7% के इंटरेस्ट में मुझे ₹7 इंटरेस्ट मिलेगा। आप इस इंटरेस्ट टेबल के बटन को क्लिक करके और अधिक समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको हर दिन का यहाँ पे कितना कितना इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं और लास्ट जो आप यहाँ पे देखेंगे जब फाइनल हो जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट अमाउंट आपको कितना मिलेगा। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे 2000 करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे 100 इंटर कर लेता हूँ और क्लिक करूँगा क्रिएट फिक्स डिपॉजिट के बटन को। उसके बाद यहाँ पे आप अपने बैंक का पासकोड यहाँ पे इंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एफडी अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं अपडेटेड डिपॉजिट अमाउंट। तो चलिए यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हुआ तो मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब जो एक्टिव फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है वो 3 हो चुका है, जो कि मैंने अभी क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको डे बाय डे कितना इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा और यहाँ पे मैच्योरिटी होने पे आपको कितना अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, मीन्स टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा, तो आपका जो फिक्स डिपॉजिट अमाउंट है वो ऑटो रिन्यू हो जाएगा और जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्योंकि आप इस एफडी अकाउंट को कभी भी ब्रेक कर सकते हैं, कभी भी तोड़ सकते हैं, आपको इसमें कोई भी पेनल्टी या चार्जेस नहीं लगेंगे और आपका जो पैसा है वो इंस्टेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके ब्रेक एफडी एंड ट्रांसफ़र मनी कर सकते हैं अपने अकाउंट में। तो चलिए मैं पीछे चलता हूँ और यहाँ पे मैं अभी आपको फिक्स डिपॉजिट ब्रेक करके बताऊँगा। तो इसके लिए आप क्लिक करेंगे ब्रेक योर फिक्स डिपॉजिट पे और याद रखिएगा यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका अवेलेबल डिपॉजिट अमाउंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ जो आपका अभी रिसेंट एफडी है, मीन्स जो आप सबसे लास्ट में एफडी कराएंगे उसी से आपका पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा आपके अकाउंट में, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि जिस एफडी अमाउंट का जितना ज़्यादा दिन होगा आपको उतना ही इंटरेस्ट मिल पाएगा, इसीलिए रिसेंट अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर आप टोटल डिपॉजिट अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके सभी एफडी का अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन आप कुछ अमाउंट यहाँ पे करना चाहते हैं तो आपका जो रिसेंट एफडी है उसी से पैसा कटेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं ₹50 एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ ₹50 और अभी जो मैंने एफडी किया था ₹100 का, आप देखेंगे जब मैं ब्रेक कर लूँगा तो ₹50 उसी से कटेंगे। उसके बाद आप प्रोसीड के बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से आप यहाँ पे
अपने बैंक का पासकोड इंटर करके आगे बढ़ेंगे और इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो चलिए मैं पीछे चलता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने अभी FD क्रिएट किया हुआ था ₹100 का, वो ₹50 हो गया है क्योंकि अभी मैंने 50 ब्रेक कर लिया है, मीन्स वहाँ से मैंने पैसा निकाल लिया है। और आप इसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं आपको अब इसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो इसी तरह से आप घर बैठे ही बहुत ही आसानी के साथ FD अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे और जब मन चाहे तब आप उसे ब्रेक भी कर सकते हैं। और अगर आप ऑटोमेटिक FD इसी बैंक में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके ज़रूर बताएं और अगर कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।